सामर्थ्य के चार स्तंभ होते हैं, शक्ति के चार स्तंभ होते हैं। ये चीज शाओलिन मास्टर्स भी सिखाते हैं, जेन मास्टर्स भी सिखाते हैं, कुंगफू वॉरियर्स भी सिखाते हैं, और स्वयं भगवद गीता में भी ये बात लिखी हुई है। और यही बात मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के इस पूरे झगड़े में एक चीज जो मुझे समझ में आई है, देखिए मैं कभी इस तरह के कॉन्ट्रोवर्सी में अपना मत नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत गहरी बात थी जो समझना और समझाना बहुत ज़रूरी था कि शक्ति के सामर्थ्य के चार स्तंभ होते हैं। पहला बल, दूसरा बुद्धि, तीसरा धैर्य और चौथा सहनशीलता। ये चार सामर्थ्य के स्तंभ हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है कि पहले आपको धैर्य और सहनशीलता को प्राप्त होना होगा और बल और बुद्धि आपको बाद में मिल जाएगी। मतलब कि आपको पहले धैर्य और सहनशीलता के लिए अभ्यास करना होता है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर आपको शारीरिक बल बढ़ाना है, आपको हष्टपुष्ट बनना है, आपको बलिष्ठ बनना है, तो आप जिम में जाके वर्कआउट करते हो, आप कुंफू सीखते हो, आप कलारीपयट्टू सीखते हो, आप मार्शल आर्ट सीखते हो, आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो, तो सबसे पहला उसमें क्या होता है, सहनशीलता। मतलब शारीरिक कष्ट आपको झेलनी पड़ती है, दौड़ना है, भागना है, वजन उठाना है, वेट ट्रेनिंग करनी है, आपको पुशअप्स करने हैं, रनिंग करनी है, आपको चोटें खानी है, तो ये सहनशीलता आपको अपने अंदर लानी होगी। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो सहनशीलता आप डेवलप करते हैं, और उस सहनशीलता को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए, धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथा और आखिरी होता है धैर्य। धैर्यवान बनना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुओं ने ये बात बहुत अच्छे से सिखाई थी हमें कि धैर्यवान बनना बहुत आवश्यक है, उससे ही सामर्थ्यवान आप बनते हैं। मतलब कि सामर्थ्यवान होने के लिए धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर सहनशीलता है। मेरे कहने का मतलब कुछ ये है कि एक पानी की टंकी है, 100 लीटर की पानी की टंकी का मतलब ये है कि 100 लीटर की सहनशीलता है उसमें, 100 लीटर पानी को वो सहन कर सकता है, इसलिए वो 100 लीटर की टंकी कहलाता है। मतलब 100 लीटर का धारक, 100 लीटर का किस का सामर्थ्य है उसमें, 100 लीटर पानी का सामर्थ्य है उस टंकी में, लेकिन असल मतलब क्या है कि वो 100 लीटर का सहनशीलता रखता है। इस वैसे ही 200 लीटर का, 1000 लीटर का, 2000 लीटर का, जो टंकी जितना पानी को सहने की क्षमता रखता है, धारण करने की क्षमता रखता है, वही उसका सामर्थ्य कहलाता है। पकड़ में आई बात? यहाँ पर अब हम समझ चुके हैं धैर्य और सहनशीलता कितनी इम्पॉर्टेंट है बल और बुद्धि के लिए। बल पाने के लिए सहनशीलता, बुद्धि पाने के लिए धैर्य चाहिए। चारों ही आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। अब आ जाइए, विवेक बिंद्रा जी ने और संदीप महेश्वरी जी का ये जो कंट्रोवर्सी हुआ है, इसमें विवेक बिंद्रा जी ने क्या गलती कर दी? वो भगवद गीता को इतने बार समझा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, कृष्ण चरित्र को फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने 24 घंटे के भीतर आकर के, लाइव आकर के, सीधे सोशल मीडिया में संदीप महेश्वरी जी को धमकी दे डाली। कृष्ण जी का ये चरित्र है ही नहीं, कृष्ण चरित्र जो भी जानता है वो जानता है कृष्ण बहुत सोच समझ के, बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ मुस्कुरा करके चीज़ों को पहले सहते हैं, फिर धैर्य के साथ उसे प्रोसेस करते हैं, फिर अपना पलटवार करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि समय स्वयं ही जवाब दे देता है, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। हम पूरे कृष्ण के जीवन को अगर हम थोड़ा भी समझें तो ये ऐसा ही है, लेकिन बिंद्रा जी ने क्या किया, 24 घंटे के भीतर आकर के आके चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने। तो संदीप महेश्वर जी के द्वारा की गई जो छोटी मोटी भूल होगी, जो सबसे होती है उन्हें, या उनके करियर में चलते हुए जो प्रोसेस में कहीं पर जो उस समय तो सही था लेकिन अभी अजीब लगता है, उन्हें निकाल निकाल कर बताना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बेवकूफ़ी और
कृष्ण चरित्र नहीं कहीं भी, ये दुर्योधन चरित्र जैसा लगने लगा मुझे जब मैंने इस वीडियो को देखा। तो ये गलती कभी भी नहीं करना लाइफ में, ये बहुत बेवकूफाना है। आप जितने बड़े बनते हैं आपकी ज़िम्मेदारी उतनी बड़ी होती जाती है कि किस तरह से आप अपना मुंह खोलें, किस तरीके से अपनी बातों को रखें। संदीप महेश्वरी जी के वो पहले वीडियो में कहीं पर भी उन्होंने विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया था, कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि विवेक बिंद्रा ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। भाई उनके सेशन में आए हुए बच्चों ने अपनी बात रखी, अपना मत रखा कि उनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बस उनको समझाने के लिए ये कहा कि भाई ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी बात रखो, पुलिस स्टेशन जाओ या लीगल एक्शन लो या सोशल मीडिया में आके बोलो, बस इतने में बात ख़त्म होती है। इसका बहुत अच्छे से वो चीज़ों को अपने ऊपर लेकर के अपनी गलतियों में, अगर उनको लगता है, उनको समझ में आता है कि भाई जनता को उनके काम से परेशानी हो रही है, तो उसमें वो सुधार कर सकते थे और बहुत अच्छे से इसको बुना सकते थे सही समय को अपने सुधार के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ये था कृष्ण चरित्र, ये होता कृष्ण चरित्र, ये होता है भगवद्गीता का सार। लेकिन यहाँ पे भगवत गीता वाला कोई भी काम नहीं हुआ, यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफाना काम हो गया। मैं मानता हूँ ये दोनों ही बहुत ही अपनी जगह पे सही इंसान है। विवेक बिंद्रा जी की वजह से भी बहुत लोगों का जीवन बना, बहुत लोगों को सही रास्ता मिला, उनके वीडियोस देखकर बहुत लोगों को समझदारी आई, बहुत लोगों को संयम मिला। अभी उनका बुरा समय चल रहा है, इस बुरे समय में कुछ और गलतियाँ हो गई है, और बस प्रार्थना कीजिए उनके लिए भी कि उन्हें सद्बुद्धि मिले, सही रास्ता मिले।